सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं? अगर आपका आंसर है हाँ, तो वीडियो का लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो का लास्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सक्सेसफुल बनना आसान नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर लोग सक्सेसफुल बनने के बारे में सोचते हैं, और सक्सेसफुल बनने के बारे में सोचना और सक्सेसफुल बनना, इसमें काफी डिफरेंस है। अगर आपको सच में सक्सेसफुल बनना है तो आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा, और ऐसी चेंज जो आपकी लाइफ बदल दे। लेकिन इसके लिए आपको अपने पैशन के साथ, अपने डिसिप्लिन के साथ मेहनत से काम करना होगा। अगर आप मेहनत से काम करने के लिए रेडी हैं, तभी इस वीडियो को लास्ट तक देखें, वरना अभी इस वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि एक करेजियस पर्सन ही हर सिचुएशन में लड़ते हुए आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है, इसीलिए वो सक्सेस को डिजर्व करता है। पॉइंट नंबर 1, सक्सेसफुल पीपल डोंट टेक फेलियर टू सीरियसली। सक्सेसफुल लोगों की नंबर 1 क्वालिटी होती है कि वो फेलियर को दिल पे नहीं लेते हैं, वो फेलियर को अपॉर्चुनिटी समझते हैं, वो फेलियर से सीखते हैं, वो जानते हैं कि फेलियर लाइफ का हिस्सा है। आप कोई भी काम शुरू करेंगे तो उसमें एक दो बार जरूर फेल होंगे। क्या आप साइकिल चलाना एक ही दिन में सीख गए थे? ऐसे ही सक्सेसफुल लोग बार बार फेल होते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं। द सीक्रेट ऑफ लाइफ इज टू फॉल 7 टाइम्स एंड टू गेट अप 8 टाइम्स। लाइफ का सीक्रेट है सातवीं बार गिर के भी उठना और फिर से मेहनत करना, जैसे सक्सेसफुल लोग करते हैं। आप जेके रॉलिंग को ही देख लीजिए, वो 12 पब्लिशर से रिजेक्ट हुई थी अपनी पहली हैरी पॉटर बुक लॉन्च करने के लिए। आप धीरूभाई अंबानी को ही देख लीजिए, वो कितने गरीब घर में पैदा हुए थे लेकिन आज इंडिया के रिचेस्ट पर्सन में से एक है। वो कितनी बार फेल हुए अपनी जर्नी में लेकिन कभी गिव अप नहीं किया। आप सचिन तेंदुलकर को ही देख लीजिए, उन्हें क्रिकेट एकेडमी से रिजेक्ट किया गया लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की और आज बेस्ट क्रिकेटर माने जाते हैं। तो आपको भी फेलियर को सीरियसली नहीं लेना है, फेलियर से सीखना है और ग्रो करना है। पॉइंट नंबर 2, सक्सेसफुल पीपल एक्सेप्ट हु दे आर। सक्सेसफुल लोग जैसे भी हों खुद को एक्सेप्ट करते हैं। वो अपनी ताकत और कमजोरियों के साथ कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हर किसी के अंदर कोई ना कोई वीकनेस जरूर होती है। वो उन लोगों की तरह नहीं बनना चाहते हैं जो वो अंदर से नहीं है, और वो खुद को दूसरों से कंपैरिजन भी नहीं करते हैं, जैसे उनकी तरह ड्रेस पहनना, उनकी तरह रिच दिखना। एक्चुअली ह्यूमन एक सोशल क्रिएचर्स है, वो हमेशा से खुद को कंपैरिजन करते आए हैं। जैसे आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे लोग कितना शो ऑफ करते हैं, खुद को रिच शो करते हैं, लेकिन कभी कभी रियलिटी कुछ और होती है। आजकल तो AI का जमाना है, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए खुद को दूसरों से कंपैरिजन करना बंद करें। दूसरों से कंपैरिजन करने से खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, खुद की वैल्यू कम हो जाती है, आप लाइफ में खुश नहीं रहते हैं। सक्सेसफुल लोग जानते हैं हर किसी का फिंगरप्रिंट अलग है, टैलेंट अलग है, पर्सनालिटी अलग है, सबकी अपनी एक अलग लाइफ है। इसीलिए केवल वो खुद पर फोकस करते हैं, अपने यूनिक टैलेंट पर फोकस करते हैं। वो वही काम करते हैं जो काम करना पसंद करते हैं, जिस काम के लिए वो पैशनेट होते हैं। तो आपको भी अपनी पर्सनालिटी जानना है और उसके हिसाब से आपको काम करना है। लास्ट में एक बात हमेशा याद रखें कि आप एक ओरिजिनल पर्सन हैं, इसीलिए खुद को कंपैरिजन करना बंद करिए। पॉइंट नंबर 3, सक्सेसफुल पीपल आर मोर कमिटेड। जब हम सक्सेसफुल लोगों के बारे में सोचते हैं और उनकी लाइफ स्टाइल देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग भी उनसे बहुत मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, लेकिन 4 दिन बाद सब भूल जाते हैं और फिर से वही जिंदगी जीने लगते हैं। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में सबसे बड़ा डिफरेंस उनके कमिटमेंट का होता है। वो अपने गोल्स के लिए कमिटेड होते हैं, अपने ड्रीम्स के लिए कमिटेड होते हैं। कमिटमेंट का मतलब जैसे 1-2 दिन सुबह उठना आसान है, लेकिन डेली सुबह उठने की कमिटमेंट करना कठिन है। और सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने काम में कमिटेड रहते हैं। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं और सक्सेसफुल बने रहना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ में कमिटेड रहना होगा, क्योंकि लोग सक्सेसफुल हो तो जाते हैं लेकिन कुछ ही महीनों में फिर से वो अपनी पुरानी लाइफ में आ जाते हैं। इसलिए आपको हमेशा लाइफ में कमिटेड रहना है। इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, जैसे इससे आपका मोटिवेशन बढ़ जाता है, आप ज्यादा मेहनत से काम करते हैं, लोगों की नज़र में आपकी इमेज अच्छी होती है क्योंकि आप जो कहते हैं उसको कमिटमेंट के साथ करते भी हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि आप अपना काम करने के काबिल हैं, अपना गोल अचीव करने के काबिल है। पॉइंट नंबर 4, सक्सेसफुल पीपल आर रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबिलिटी बना है रिस्पॉन्स प्लस एबिलिटी से। रिस्पॉन्सिबिलिटी ही एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती है, केवल ली जाती है। जिम्मेदारी कभी किसी को कोई दे नहीं सकता है, अगर कोई लेना ना चाहे। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ कंट्रोल करना है तो आपको अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहना होगा, अपने लाइफ की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो दूसरों को ब्लेम करने के बजाय खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ज्यादातर लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक अच्छे इंसान की पहचान होती है, इससे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है, लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में होती है। लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना काफी कठिन है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए हमेशा आपके वर्ड्स आपके एक्शन के साथ मैच करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप वादे बड़े बड़े कर लें लेकिन काम कुछ भी ना करें, टाइम आने पर बहाना बनाना शुरू कर दें, इससे आपकी रिपुटेशन भी डाउन होती है। पॉइंट नंबर 5, सक्सेसफुल पीपल टेक मैसिव एक्शन। अगर आप सालों से अपने ड्रीम के बारे में सोच रहे हैं लेकिन अभी तक आपने अचीव नहीं किया है तो इसका मतलब है कि आपने अभी तक मैसिव एक्शन नहीं लिया है। जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आप जानते होंगे, एलन मस्क, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, वो सब सक्सेस के लिए बस एक ही बात कहते हैं, वर्क हार्ड, टेक मैसिव एक्शन टुवर्ड्स योर गोल। मैसिव एक्शन का मतलब टेक स्मॉल एंड कंसिस्टेंट एफर्ट फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, अगर आपको एक साल के अंदर ही अपना ड्रीम अचीव करना है, अपना बिजनेस ग्रो करना है, या अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करना है, या आपको शेयर मार्केट से पैसा कमाना है, तो आपको मैसिव एक्शन लेना होगा। मैसिव एक्शन लेने से आप अपना ड्रीम जल्दी अचीव करेंगे, आप मोमेंटम बिल्ड करेंगे, मैसिव एक्शन से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अगर आप मिलियनेयर माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना कंसीडर जरूर करें। थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।